ता नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सबको नव दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी के आठवें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि माता पार्वती ने जब भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी तो उनका शरीर क्षीण और अत्यंत काला हो गया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद अपनी जटाओं से निकली गंगा से जब उनकी देह पर गंगा जल डाला तो उनका रंग गौर वर्ण हो गया और उसी वजह से तब से उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनका स्वभाव सौम्य है। वो सभी को अभय प्रदान करती हैं। आज अष्टमी पूजन होता है तो माता को काले चने हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है और जहाँ पे अष्टमी पूजन होता है वहाँ कंजी का पूजन भी करते हैं। कुछ लोग नवमी का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी का पूजन होता है इसलिए हमारे यहाँ आज आटे की कढ़ाई जो बोलते हैं वो की गई और कंजी का पूजन किया गया। ओम सर्व मंगल मांगले स्वी स्वार्थे साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मैं आप लोगों से नवरात्र के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो हर साल कंजी का पूजन के समय मेरे दिमाग में चलता रहता है कि क्या सही मायने में हम कंजी का पूजन करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सही मायने में हमारा पूजन तब सफल होगा जब वास्तव में हम किसी भूखे पेट की आत्मा को तृप्त करेंगे। और ये जरूरी नहीं है हम कुछ खास दिनों में ही ऐसा करें। अगर हमारे हाथों भगवान हमें जरिया बनाए तो उस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि मैंने जो प्रसाद बनाया है वो वास्तव में प्रसाद के रूप में सब में वितरित हो और मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच ही जाती हूँ। इस बार भी मैं जो मजदूर आए हुए थे उनके बच्चों के पास प्रसाद लेके गई थी और वहाँ पर प्रसाद वितरित करने के बाद मेरी आत्मा को जो संतुष्टि मिली ना उसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। ऐसे लग रहा था जैसे वास्तव में मेरी पूजा सफल हो गई। बोलो जय माता दी। जय माता दी। इन सबके चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जैसे माता रानी सच में खुश होके मुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। और इसीलिए फिर माता रानी को धन्यवाद देने के लिए मैं तुरंत माता के मंदिर भी पहुंच गई। ज्यादा का लालच नहीं है मुझे, बस इतनी सी प्रार्थना है माता रानी से कि मेरे घर में इतनी बरकत बनाए रखना कि कभी भी कोई प्राणी जीव जंतु मेरे आंगन से भूखा ना जाए। माँ जगदम्बे सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका कल्याण करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जय माता दी।